तो देख लो जी, ये है अपनी बजाज पल्सर P150 और ये है कुछ इसका फ्रंट लुक। और एग्जॉस्ट सुनो आप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो लास्ट वीडियो मैंने डाली जो पल्सर P150 का इवेंट था बैंगलोर में, जो बैंगलोर में अपनी बाइक लॉन्च हुई थी, तो उसकी वीडियो मैंने लास्ट में डाली है। इससे पहले भी वीडियो डाली है, वो आप वीडियो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और उसमें पहली डिलीवरी भी करी है बजाज ने, जो पहले कस्टमर है P150 के बैंगलोर में। और आप इसे देख लो, किसे दिखा है, री इमेजिन री इंजीनियर। तो री इमेजिन और री इंजीनियर का मतलब बाइक अपने बिल्कुल ब्रांड न्यू होने वाली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन के साथ होने वाली है बाइक। बहुत सारे प्लस फीचर्स हैं बाइक के अंदर और बाइक बहुत ज़्यादा पहले से शार्प हो चुकी है। पहले बहुत बोल्ड थी, बहुत हैवी दिखती थी, अभी बहुत शार्प और बहुत स्लीकर हो गई है और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक में जा रही है। बहुत लोगों को उसका डिज़ाइन सब्जेक्टिव अब पसंद आ रहा है और नहीं भी आ रहा, बट अभी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मुझको उसका डिज़ाइन कैसा लगा। तो वीडियो क्या करना, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना और लास्ट में इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड भी बताऊंगा और बैंगलोर में इसका ऑन रोड प्राइस कितना है वो भी लास्ट में बताएंगे, और जितने EMI ऑप्शन है वो भी लास्ट में बताऊंगा आपको वीडियो के। तो उसके बीच में सारी इसके सिनेमेटिक्स हैं और सारी इन्फॉर्मेशन है कि बाइक का इंजन और बाइक के टायर्स, बाइक के पेंट, मतलब जो भी है बाइक, जो भी नई चीज़ आई है उससे रिलेटेड हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, बाकी मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप एंजॉय करो कुछ सिनेमेटिक्स। तो देख लो जी, ये है अपनी बजाज पल्सर P150 और ये है कुछ इसका फ्रंट लुक। और ये देख लो, साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है आपको। और ये दो कलर अवेलेबल है अभी यहाँ पर, एक तो ये जो अपना देख सकते हो आप, जैसे ब्लैक में ये थोड़ा रेड फिनिश के साथ है, एक ब्लैक में ये ब्लू फिनिश के साथ है, और एक ऑल मतलब ऑल ब्लू भी है, ऑल रेड भी है। तो ये चार कलर्स में अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको दो कलर दिखा रहा हूँ और पहले बात करते हैं सिंगल डिस्क की। ट्विन डिस्क की वीडियो भी आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्विन डिस्क के ऊपर, अभी बात करते हैं सिंगल डिस्क की। तो ये अपनी सिंगल डिस्क वाली वेरिएंट है, सिंगल डिस्क रहने वाली है, देख सकते हैं आप। और फ्रंट में, फ्रंट से कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। तो फ्रंट में बता दूँ पहले, यहाँ पे आपको एक छोटा वाइजर मिल जाएगा और ये इसका पूरा फ्रंट मास्क है। और ये फ्रंट इसकी LED सेटअप है पूरा, LED हेडलाइट मिलने वाली है विद, यहाँ पे आपको DLS मिल जाएगी, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा। और ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये वाई फंक्शनल है, इसमें आपके लो बीम हाई बीम दोनों काम करता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है ये। तो ये देख लो कुछ इस तरीके से ये काम करता है, अभी ये हाई बीम पर है और अभी ये लो बीम पर हो गया, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पे पूरी आपको ये LED DRS मिल जाएगी। और बात करें इंडिकेटर की, तो इसमें हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये देख लो, ये है कुछ इसके हेलोजन इंडिकेटर जिनकी विजिबिलिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं बंद। तो ये है कुछ कैलोजन इंडिकेटर्स जो यहाँ पे अप पे मिलते हैं, पहले यहाँ नीचे आते थे, अभी ये ऊपर कर दिए गए हैं, जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है। और काफ़ी आगे से देख लो, काफ़ी शार्प डिज़ाइन कर दिया है, ये देखो कितना शार्प डिज़ाइन कर दिया। और ये इसकी DRLs है यहाँ पे, पूरा हेडलैम्प और ये पूरा कवर कर दिया है। N160 में ये कवर नहीं आता, ये ग्लास नहीं आता, उसमें ओपन आता है। और बाकी ये यहाँ पे पूरा कवर कर दिया। और यहाँ पे देख लो, ये रेड स्टिकर दे दिया, ये सिल्वर यहाँ पे मैट फिनिश में स्टिकर दिया हुआ, इधर भी सेम इस तरह से। और फ्रंट जो मास्क है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत शार्प पहले से कर दी है बाइक। और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, ये देख लो, और ये छोटा सा वाइजर दिया हुआ है यहाँ पे, कि इसमें वाइजर दिया है, बट N160 में यहाँ वाइजर नहीं दिया था, तो इसमें छोटा सा वाइजर दे दिया है। और बात करें फ्रंट की, देखो यहाँ पे मडगार्ड की, तो मडगार्ड आपको फ्लोटिंग मिलने वाला है, जैसे 250 में आता था वही 160 में, वही आपको मडगार्ड यहाँ भी आपको मिलेगा, फ्लोटिंग वाला मडगार्ड, जिसमें यहाँ पे ग्लॉस है और यहाँ पे मैट कलर में है और यहाँ पे ABS की बैजिंग है।
और बता दूँ आपको मैं बाइक, तो ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, तो देख सकते हो यहाँ पे ABS रिंग मिल जाएगी आपको बड़ी सी, और काफ़ी अच्छा डिस्क साइज भी है, तो डिस्क का साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। बट ये N160 से छोटी लग रही है, क्योंकि N160 में 300 mm आती है, मुझे लगता है नियर अबाउट 240 mm, या कह सकते हैं कि नियर अबाउट 260 mm आसपास हो सकती है ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएंगे, काफ़ी पतले हैं थोड़े से, और मोटे दिए होते तो अच्छा था, बट ठीक है, एक बार राइड करके मैं बताऊँगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है या किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं सिटी के अंदर, ठीक है। बाकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मोटे पतले से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है। और बाकी ये देखो, ये भी पूरा मैट ब्लैक में यहाँ फिनिश दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टर मिल जाएगा जो कि यहाँ पे डस्ट से आपके इसको बचाएगा, क्योंकि डस्ट जाती है ना उसी से यहाँ पे आपकी जो रबर सील होती है वो कट जाती है और आपके ऑयल लीकिंग की इशू आती है, बट ये बचाएगा आपको डस्ट से। तो ये पहले अब नहीं आता था, अभी ये बजाज ने दे दिया, तो ये अच्छा अपग्रेड है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अपने सिंपल जो ब्रेक कैलिपर्स आते हैं वो नॉर्मल वाले ब्रेक कैलिपर्स दिए हुए हैं, और नॉर्मल डिस्क मिलने वाली है आपको, और फ्रंट का अलॉय व्हील का डिज़ाइन बिल्कुल ही ब्रांड न्यू हो गया है, चेंज कर दिया। मैं आपको एक बार इस तरह से दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से पूरा फ्रंट का अलॉय व्हील का डिज़ाइन बिल्कुल चेंज कर दिया है बजाज ने, अब पहले अलग आता था अभी बिल्कुल अलग कर दिया है, जो कि मुझे पहले से बेटर लग रहा है, पहले बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट वाले वो आते थे, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कर दिया है, और ज़्यादा फंकी और ज़्यादा स्पोर्टी कर दिया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और बात करें फ्रंट टायर की, तो फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, MRF का 90x90 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं फिर भी टायर साइज, तो MRF का नायलॉन ग्रिप जैपर टायर है ये, तो ये सॉरी ये 80x100 है, ये सिंगल डिस्क है, तो इसमें 80x100 आएगा, 17 inches व्हील आने वाला है, तो ये देख सकते हो आप, और नायलॉन ग्रिप का जैपर टायर दिया हुआ है, और ये ट्यूबलेस टायर है देख सकते हो। और बाकी पीछे मडगार्ड काफ़ी यहाँ तक नीचे तक दे रखा है, ताकि आपके इंजन के ऊपर डस्ट ना जाए, तो ये अच्छी चीज़ है। और एक यहाँ पे आपको इंजन काउल भी मिल जाएगा, जिसमें भी रेड कलर के स्टिकर यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी रेड कलर के ग्राफिक्स दे रखे हैं अलॉय पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया हुआ है आपको, जो अंडर बेली का जो ये दे रखा है ना काउल, इंजन काउल, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इंजन काउल अभी दिया है, इसको हटाया नहीं है, ये अच्छी चीज़ है कि इंजन काउल यहाँ रखा गया है, तो एक ये प्लस पॉइंट है। और बाकी साइड स्टैंड आ जाएगा इसमें, और मिडल स्टैंड दोनों आपको इसमें फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ आपको ये मिल जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है। और ये आपको मिलेगा राइडर के लिए फुट पैक, ये पिलियन के लिए फुट पैक, और इसमें थोड़ा सा फुट पैक जो है ना ये आगे की तरफ है, पोजीशन है पीछे की तरफ नहीं है, और जो डुअल डिस्क है उसमें कुछ अलग तरीके से इसकी पोजीशनिंग करी हुई है, वो आपको डुअल डिस्क वाली वीडियो में दिखा दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डुअल डिस्क आएगी, उसमें आप देख लेना जाके। और ये सिल्वर फिनिश करा हुआ है, ये भी पूरा सिल्वर फिनिश में दे रखा है, बाकी क्वालिटी वाइज अच्छा है, ये पहले से अच्छा कर दिया, पहले ये अलग तरीके से आते अभी अच्छा आता है, कुछ जो NS में आता ना कुछ उस तरीके से कर दिया, ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको एक लेडीज़ फुट रेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि सिर्फ सिंगल डिस्क वेरिएंट में अवेलेबल है, और ये आपको डुअल डिस्क में अवेलेबल नहीं है, तो ये सिंगल डिस्क में आपको मिल जाएगा लेडीज़ फुट रेस्ट भी, ये रहा, और ये साड़ी गार्ड दिया हुआ है, ये रहा, ये देख सकते हैं ये साड़ी गार्ड दिया हुआ है, और आपको डुअल डिस्क में भी मिल जाएगा साड़ी गार्ड, ठीक है। और इसमें आप ओपन चेन आता है, पहले इसमें फुल कवर चेन आती थी पल्सर में 150 में, अब क्या होता है कि ओपन चेन आ गई है, और यहाँ पे आपको पूरा हाफ वाला ये चेन कवर मिल जाएगा, ये रहा, ये देख सकते हैं आप, जो कि ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। और पहले डुअल्स में नाइट्रोक्स फिल सस्पेंशन आते थे, वो दो वाले अभी वो हटा के क्या कर दिया, मोनोशॉक कर दिया है, जो कि और अच्छी राइड क्वालिटी को आपको इम्प्रूव करेगा, और अच्छी राइड क्वालिटी देगा आपको। और ये भी एडजस्टेबल है, ठीक है, ये देख लो, ये एडजस्टेबल दे रखा है, ठीक है, मैं आपको एक बार उधर से दिखा दूंगा। और ये मोटर शॉक भी अपना, मोनोशॉक भी अपना एडजस्टेबल दिया, और इसको कवर करने के लिए यहाँ पे एक आपके यहाँ पे ये दे दिया मडगार्ड दे दिया, जिससे कि आपका स्विंग आर्म भी बचेगा डस्ट से, और आपका शॉकर भी बचेगा, पानी उस पर नहीं पड़ेगा, डस्ट मड वगैरह उस पर नहीं जाएगा। और जो स्विंग आर्म की क्वालिटी है ना, मैं आपको बताता हूँ, पहले से काफ़ी इंप्रूव है, पहले से काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है स्विंग आर्म दिया हुआ है, और लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी चीज़ देने के बाद भी बाइक का जो वेट है वो 10 kg लाइटर है पहले से, क्योंकि इसके जो चेसिस है बिल्कुल ऑल न्यू चेसिस है, ऑल न्यू टेबुलर फ्रेम पे ये बाइक बनी हुई है, ठीक है, तो ये पहले से 10 kg लाइटर है। अब इसका वेट जो है वो 140 kg है, तो आप समझ सकते हैं कि 140 kg का वेट है। और टेल लाइट देखोगे तो टेल लाइट कुछ इस तरीके की मिलने वाली है आपको, जो N160 में आती थी, N250 में आती थी, वही वाली टेल लाइट यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करी है, और अब ये न्यू टेल लाइट आपको बजाज की सारी बाइक्स में मिलने वाली है, जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन पल्सर्स आएंगी। और ये पूरा इसका देख लो मडगार्ड दिया हुआ है, और मडगार्ड भी एक यहाँ तक है, यहाँ पे फिनिश करके पूरा इसका लॉन्ग करके दिया हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा है। और बाकी इसमें आप टेल डाडी वगैरह लगवा लोगे तो और भी सुंदर लगेगी, बट ये बाइक मोर ओवर, ये बाइक जो बनाई गई है ना, आपको मैं चिताता हूँ, देखो जो N160 बनाई थी ना पल्सर बजाज ने,
M160 वो प्योर एक परफॉर्मेंस बाइक है और प्योर एक ये भी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी है, परफॉर्मेंस के बाद में आएंगे, बट वो क्या है वो ना यंग जनरेशन को ज़्यादा टारगेट करती है रेदर देन कि आप 40-50 के एज आप हो ना और उनको कम, और फैमिली है, अगर आपकी फैमिली है, अगर आपको अच्छी पावर चाहिए, अच्छी बाइक भी चाहिए, गुड लुकिंग बाइक चाहिए, तो मुझे लगता है P150 आपके लिए है कि अगर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए, अगर फैमिली मैन हो उसके लिए और आप कंफर्टेबली चला पाओगे, वो थोड़ी उसका और थोड़ा इससे ज़्यादा स्पोर्टी नेचर है N160 का, और वो पावर भी ज़्यादा है उसकी, इंजन की भी, इंजन भी उसका बड़ा है, सब कुछ में ज़्यादा है, तो वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें मिसिंग है और उसमें है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इंजन के ऊपर चलेंगे तो। और बात करें देखो फ्यूल टैंक, तो फ्यूल टैंक कितना ह्यूज फ्यूल टैंक कर दिया है, और मेटलिक फ्यूल टैंक है पूरा, और ये इसके टैंक का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पल्सर की बैजिंग दे रखी है सिल्वर फिनिश में, और यहाँ पे भी स्टिकर ये दे रखा है, तो कि बहुत अच्छा लग रहा है, डिकेल्स पे काफ़ी अच्छा काम किया है, क्वालिटी पहले से काफ़ी इंप्रूव करी हुई है, बाकी ये नट को कवर करने के लिए यहाँ पे ये दे रखा है। और अभी आपको इसमें पल्सर में 150 में P150 में यहाँ पे USB चार्जर मिल जाएगा, तो ये बहुत चीज़ है कि USB चार्जर मिल गया, और सिंपल आपको सिंपल एक फ़ोन माउंट यहाँ लगवाना है, अपना फ़ोन आप चार्ज कर सकते हैं ऑन द राइड गो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी स्विचेज वही सेम मिलने वाले हैं जो N160 250 में आए थे, थोड़ा सा ये चेंज करके अपग्रेड किया था यहाँ पे वो वाले, और सबसे अच्छी बात कि ये इनकी क्वालिटी पहले से इंप्रूव हो गई, बाकी बैकलेट तो स्विचेज आपको मिलने वाले हैं सेम, ठीक है। ये इंजन किल स्विच है वो, और यहाँ पे आपका ये रहा सेल्फ स्टार्ट बटन, और मिरर्स भी अच्छे हैं, ये मिरर्स मैं सही बता रहा हूँ, ये N160 वाले मिरर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत वाइड है, बहुत अच्छी इनकी विजिबिलिटी है। लास्ट मैंने राइड करा है 80 किलोमीटर्स की मैंने राइड करी है N160 पे, तो बहुत ही बढ़िया अच्छे मेरे को विजिबिलिटी लगी। और ये है बजाज का ऑल न्यू सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे, जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर, जो कि मुझे नहीं लगता कि पहले वाली में नहीं था ये, अब बजाज ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके अंदर भी जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है, टाइम दे देगा, ओडो आ रहा है, और भी इसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जैसे सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इधर मैं आपको एक बार स्टार्ट कर, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ट्रिप 1 ट्रिप 2, ठीक है, ये तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 हो गया, ये आ गया देखो किलोमीटर्स, ये वो डिस्टेंस टू एम्प्टी आ रहा है 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर, सब कुछ आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी किलोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारे फीचर आपको जैसे इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है बजाज ने कि पहले से इसमें अपग्रेड कर दो, सिंगल चैनल ABS भी दे दिया इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें ABS आपको मिल चुका है। और रियर देखो, रियर सेक्शन में चलते हैं, तो रियर सेक्शन में सबसे बड़ा देखो यहाँ पे ABS का ये रिंग है, ये स्पीड सेंसिंग रिंग है, ये ABS की रिंग नहीं है, तो ये खाली स्पीड को सेंस करेगी आपके, ठीक है, जिससे कि आपकी स्टॉपी वगैरह ना लगे, आपका टायर स्लिप ना हो, ठीक है, तो एक ये चीज़ है। बाकी स्विंगम मेरे को ना बहुत बढ़िया लग रहा है, देखो स्विंगम की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, कितना अच्छा स्विंगम बनाया हुआ है, और यहाँ पे पहले एक हगर आता था, टायर हगर आता था, तो वो टायर हगर अभी बजाज ने रिमूव कर दिया, जो पहले 150 के अंदर आता था, तो वो भी हटा दिया, अभी यहाँ से बिल्कुल ओपन है, बहुत क्लीन लुक आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रही है। और रियर टायर की बात करें तो आई थिंक रियर टायर 100 सेक्शन का होना चाहिए, देख लेते हैं, हाँ 100x80 17 inches व्हील, MRF का नाइलॉन ग्रिप टायर है, ट्यूबलेस टायर रहने वाला है, सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू डिज़ाइन, और रेड कलर के इसमें ग्राफिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि अपनी बाइक का जो ये रेड कलर है। बाकी यहाँ पे P150 की आपको बैजिंग मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बढ़िया लग रही है, और एक एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा पिलियन के लिए, और एक सिंगल सीट मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात कि सिंगल सीट मिलने वाली है आपको, बहुत ही बड़ी, बहुत ही कंफर्टेबल सीट रहने वाली है। बाकी राइड करूँगा तो राइड वीडियो आएगी बाद में, तो वो देख लेना, उसमें आपको बता दूंगा कि सीट कैसी है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। बाकी देखो थोड़ा सा मेरे को क्या लग रहा है कि देखो यहाँ पे पैनल गैप बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा इधर मेरे को पैनल गैप एक्स्ट्रा लग रहा है, ये चीज़ थी बजाज को, थोड़ा सा ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए था, बाकी ठीक है, काफ़ी मेहनत करी है बजाज ने। बाकी यहाँ पे देखो चीज़ दे रखी है, यहाँ से आप लगा के अपनी सीट को ओपन कर सकते हैं, रियर सीट को, और डिज़ाइन बिल्कुल ही वही वाला है जो 250 वगैरह में N160 में आया है, N160 में वो सब वाला है। और जो बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है इसका एग्जॉस्ट क्या आता था पहले, साइड एग्जॉस्ट आता था यहाँ पे, अभी वो हटा दिया पूरा यहाँ से, और इसको दे दिया अंडर बेली एग्जॉस्ट, जिसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो काफ़ी बेसी मिलने वाला है आपको, काफ़ी बेसी इसका एग्जॉस्ट नोट है, तो इस वीडियो के बाद आप देख लेना इसका एग्जॉस्ट साउंड किस तरीके का, बहुत ही बेसी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा आपको, आपको चेंज कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक सिल्वर कलर की फिनिश दे रखी है, जो कि इसको एक अलग से एनहेंस कर रही है अंडर बेली एग्जॉस्ट को, तो सबसे पहले NS 200 में आया था, अब यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये चीज़। और बाकी ये देख लो यहाँ पे आपकी रियर ब्रेक कैलिपर, ये रहा रियर ब्रेक प्रेस करने के लिए मिल जाएगा आपको, और आपको एक लेग गार्ड मिल जाएगा, सिंगल हॉर्न मिल जाएगा, पहले डुअल हॉर्न आता था, अभी सिंगल दे दिया है,
आई डोंट नो वाई बट ठीक है। और सबसे एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी वो DTSI की लगी होगी भाई, ये जो इंजन है ना ये सिंगल स्पार्क प्लग के साथ आता है और इंजन भी डुअल फिनिश में है, ब्लैक एंड सिल्वर। तो ये सिंगल स्पार्क प्लग वाला इंजन है बजाज का और ये बिल्कुल ऑल न्यू इंजन है जो कि अपनी जो नई पल्सर आ रही है तो N250 जो उसी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये इंजन बना हुआ है और ये 150cc का इंजन रहने वाला आपका जो 14.5 PS की पावर जनरेट करेगा जो कि पहले वाली पल्सर से ज़्यादा है और 13.5 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा वो भी पहले वाली पल्सर ज़्यादा है और बाइक का वेट भी कम है पावर भी ज़्यादा है तो उसका पावर टू वेट रेशियो भी बहुत अच्छा हो गया बाइक का कि 140 kg के साथ 14.5 PS की पावर जनरेट कर रहा है और 13.5 Nm का आपको टॉर्क दे रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये सिंगल डिस्क वेरिएंट है, ये जो है ना ये आप ले सकते हैं अगर आप फैमिली मैन हैं, अगर आपको अपने वाइफ को बच्चों को बैठा के लेके जाना है किधर, अच्छी स्पोर्टी बाइक चाहिए देख सकते हो कुछ इस तरीके से बाइक का लुक है, कुछ बहुत स्पोर्टी लग रही है तो ये आप जाके खरीद सकते हैं। मेरी तरफ से बाइक बिल्कुल बढ़िया है, पास है, बाकी राइड रिव्यू आएगी, राइड रिव्यू देख लेना उसमें बता दूंगा सिटी में आपको राइड करने के लिए कितनी अच्छी है या कितनी नहीं है वो भी आप देख लेना वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। और अब आपसे बात अब आपको बताते हैं कि इसका प्राइस क्या है और क्या है इसकी जो भी अपना फैसिलिटीज़ लोन फैसिलिटीज़ EMI फैसिलिटीज़ वो सब बताते हैं, कितनी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी इसकी EMI बन जाएगी वो सब आपको बताते हैं और इसका ऑन रोड प्राइस रिवील करते हैं इन बैंगलोर। तो अभी मैं आपको ना इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ, P150 का एग्जॉस्ट साउंड कैसा है, एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुनो उसका, आप पहले देखो उसकी नीडल कैसे जाती है। अब एग्जॉस्ट साउंड सुनो आप, तो इसका काफ़ी बेसिक एग्जॉस्ट नोट है। सो गाइस देखो मैंने आपको पूरी वीडियो दे दी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको और अभी मैं बैठा हूँ P150 के ऊपर, ये देखो ठीक है। तो P150 के ऊपर ही मैं बैठा हुआ अभी और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन सी यू, ओके बाय।